बनाए जा रहा है। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो नवरात्रि आई थिंक फिनिश होने वाली है और बहुत सारे लोग मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सुगम हमें कुछ चटपटी सी ऐसी डिश बताइए जो हम इस नवरात्रि में भी खा सकें और अपना जो भी क्रेविंग है वो सारी चीज़ें मिटा सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ आलू की चाट शेयर करूँगी, किस तरह से आप आलू की चाट इस नवरात्रि में बहुत टेस्टी तरीके से बना के खा सकती हैं और आपको मज़ा भी आने वाली है इसे खा के। पहली बात तो इसे देख के ही आपको काफ़ी मज़ा आने वाली है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा झंझट करना है और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्दी है, वेट बिल्कुल भी आपका गेन नहीं कराएगी, मेरी गारंटी है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चाट को रेडी किया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है नवरात्रि की वेट लॉस चाट, यानी कि आप इसे जितना मन हो उतना खाइए, आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और आपको जो थोड़ा सा क्रेविंग होती है चटपटा खाने की उसकी भी ये पूर्ति करेगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक जो छोटी सी बेल आइकन लगी हुई है उसे प्रेस करके आप मेरे साथ नोटिफिकेशन में बने रह सकते हैं। मतलब कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि फैट टू ऑसम ने कोई वीडियो अपलोड किया है, तो उसके लिए आपको इस बेल आइकन को भी प्रेस करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद उसके बगल में एक बेल आइकन लगी हुई है। फ्रेंड्स, इमली की चटनी सबको बनानी आती है, बट जिन लोगों को बनानी नहीं आती है उनके लिए मैं यहाँ पे एक फास्ट मोड पर इमली की चटनी बनाना बता रही हूँ। फर्स्ट आपको इमली को आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए, उसके बाद आप एक नॉनस्टिक कढ़ाई में बिल्कुल आधा चम्मच देसी घी डालिए, बहुत थोड़ा सा देसी घी डालिए। अब आपको उसमें वो जीरा डालना है, इसके बाद आपको वो इमली का पल्प जिसमें आपने बीज निकाल लिए थे और आपको छान के वो पल्प तैयार करना है। इसके बाद आप इसमें सेंधा नमक डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे और भुना जीरा डालेंगे और इसके बाद आप इसमें जैकरी यानी कि गुड़ डाल के इसे बॉईल करेंगे जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी रोटी मेकर मशीन लगा दी है कि ये गर्म हो जाए। आप यही सेम प्रोसेस अपने नॉनस्टिक तवे के में भी कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट मुझे हरी धनिया लेनी है, इसके बाद आपको अदरक लेनी है, दही लेना है, लो फैट दही लेना है यानी, और चटनी लेनी है जो अभी आपने बनाई थी चटनी, और हरी मिर्च लेनी है, अनारदाने लेने हैं, ऑफ कोर्स आपको पोटैटोज लेने हैं, बॉयल्ड पोटैटोज लेने हैं स्लाइसेस में। फ्रेंड्स, अगर आपके आप जो दही लेंगे वो ध्यान रखिएगा कि लो फैट मिल्क हो, अगर आपके पास गाय का दूध है तो आप उसका भी दही जमा सकते हैं। तो मैं बहुत थोड़ा सा देसी घी डाल के ये सारी स्लाइसेस इसमें डाल दूंगी जिससे कि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए और हमें भुनी भुनी सी टिक्कियां मिले। यही सेम प्रोसेस आपको अपने नॉनस्टिक तवे में करना है और इसके बाद आप देख लीजिएगा कि एक तरफ से हो गई हो तो आप इन्हें दूसरी तरफ कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि ये जो नवरात्र हैं मैं रोज आपको एक ऐसी डिश दूं जो आप खाएं भी, आपकी क्रेविंग भी पूरी हो और आपका वेट लॉस भी हो, मतलब बिल्कुल भी आप उसे खाइए, जी भर के खाइए और आपका वजन बिल्कुल भी ना बढ़े। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज आपको एक डिश दूँ और ऐसी डिश दूँ जो हेल्दी भी हो, फुल ऑफ विटामिन हो, मिनरल्स हो और आपका वजन भी बिल्कुल ना बढ़े। तो आज ये मेरी फर्स्ट डिश है, मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं एक डिश और डालूँ, अपलोड करूँ जिससे कि आपको उससे भी कुछ हेल्प हो, कुछ आइडिया मिले। तो ये सारी टिक्कियाँ पलट के मैंने देख ली हैं, ये एक तरफ से रोस्ट हो गई हैं, अब दूसरी तरफ से मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ और ये देखिए दोनों तरफ से रोस्ट होके मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ। तो फर्स्ट एक प्लेट में आप सारी टिक्कियां रखिए, इन सारी टिक्कियों को अच्छे से सजा दीजिए, उसके बाद आपको सेंधा नमक डालना है, काली मिर्च पाउडर डालना है और जीरा पाउडर डालना है, क्योंकि हमने पोटैटोज में कोई भी नमक पहले नहीं डाला था इसलिए फर्स्ट हम सेंधा नमक डालेंगे, उसके बाद जो चटनी हमने तैयार की थी वो चटनी इसमें स्प्रेड करेंगे। उसके बाद अपना लो फैट मिल्क मतलब दही इसमें डालेंगे,
इसके बाद हरी मिर्च, कैसा आपको तीखा खाना है, कम तीखा खाना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें हरी मिर्च डालिए। फिर आपको इसमें अदरक डालनी है, घिसी हुई अदरक डालनी है। और गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे हरी धनिया यूज़ कर रही हूँ और अनार के दाने यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये चाट आप ट्राई ज़रूर करिएगा, ये खाने में जितनी सुंदर है, जितनी टेस्टी है, उतनी ही हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत थोड़ा सा है, इसमें फुल ऑफ कलर्स हैं, फुल ऑफ विटामिन्स है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो खाइएगा, ट्राई करिएगा, कैसी लगेगी, कैसी लगी है आपको, उसका रिव्यू भी आप मुझे इस वीडियो के नीचे ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, देखा बनाना बहुत आसान है और खाने में बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वेट बिल्कुल भी एक रत्ती मात्र भी आपका जो है वेट लॉस नहीं होगा, बॉडी में चर्बी बिल्कुल भी नहीं आएगी। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।